सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी मस्त होगे, लेकिन नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से आने वाले Redmi Note 10 सीरीज के बारे में, जो कि आपको इंडिया के अंदर 4th March को ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा और ग्लोबली भी आपको ये डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको इस सीरीज के अंदर कुल 3 डिवाइस देखने को मिल सकते हैं, जहां पर पहला होगा Redmi का Note 10 Pro और Redmi का Note 10 Pro Max। सो यहां पर आपको कुल 3 डिवाइस देखने को मिल सकते हैं और यहां पर जो पहला डिवाइस है ना Redmi का Note 10, इसको लेकर बिल्कुल क्लियर सारी स्पेसिफिकेशन सामने निकल कर आ चुकी है, अलोंग विद प्राइस सब कुछ डिटेल में सामने निकल कर आ चुका है। और यहां पर जो प्रो मैक्स है, प्रो है, उसको भी लेकर इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आ ही चुकी है। तो अगर आप भी सीरीज के डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हो सब कुछ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। सो हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करो, सबसे पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे बेस स्मार्टफोन की, यानी Redmi Note 10 के बारे में, जिसको लेकर क्लियर इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आ चुकी है। फोन का बॉक्स भी सामने निकल कर आ चुका है, एज वेल एज फोन की प्राइस भी सामने निकल कर आ चुकी है। जहां पर सबसे पहले आप बॉक्स पे देखो तो कुछ स्पेसिफिकेशंस तो सामने ही देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इस फोन के साथ में जो डिस्प्ले होगी वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है इस बार। और इस बार आपको Redmi के Note 10 सीरीज के अंदर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। जहां पर अगर बात करें Redmi Note 10 के डिस्प्ले को लेकर, तो सबसे पहले तो आपको डिस्प्ले साइज 6.43 इंच की मिलेगी और ये एक IPS LCD पैनल स्क्रीन नहीं होगी, इस बार आपको एमोलेड स्क्रीन मिलेगी, बट नॉर्मल 1600 रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट होगा डिस्प्ले के अंदर। और भाई ये जो डिस्प्ले होगी, आप सोचोगे कि एमोलेड है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिलेगा सिक्योरिटी के लिए। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले को देखें तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग मैं कहूंगा एक एमोलेड डिस्प्ले दे दिया है तो काफी अच्छा काम किया है Xiaomi ने। मतलब अब से पहले आप देखो तो सारे ही में आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलती थी, चाहे वो 10,000 का फोन हो या फिर 20,000 से 25,000 का फोन हो, तो ये काफी अच्छा अपग्रेड किया है Redmi ने। बाकी गाइस, अगर बात करें इस फोन के बैक साइड लुक की, तो आप देख सकते हो कुछ यूनिक कटआउट के साथ में कैमरा देखने को मिलता है। और मेरे अकॉर्डिंग ये जो बैक होगी ना, इस प्राइस के अकॉर्डिंग एक प्लास्टिक बैक ही होने वाली है। जहां पर अगर बैक साइड कैमरा की बात करें तो प्राइमरी लेंस आपको 48 मेगापिक्सल का मिलेगा और ये क्वाड कैमरा सेंसर के साथ में आने वाले हैं, जहां पर मेरे अकॉर्डिंग 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग लेंस हो सकते हैं। बाकी फ्रंट साइड कैमरा की बात करें तो यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल तक का कैमरा देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें Redmi Note 10 के परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 67 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 11nm आर्किटेक्चर के साथ में आने वाला है। और ये जो Snapdragon 678 चिपसेट है, इस प्राइस के ऊपर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देगा, बाकी डे टू डे टास्क में बहुत ही स्मूथली रहने वाला है। बट मैं कहूंगा कहीं ना कहीं 7 सीरीज का एक चिपसेट होता तो ज्यादा बेस्ट होता। जहां पर आपको ये फोन दो वेरिएंट के साथ देखने को मिल सकता है, 6GB रैम 64GB स्टोरेज ऑप्शन, 6GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन। लेकिन बहुत सारे लोग पूछेंगे 4G है फिर 5G है, तो भाई 5G चिपसेट नहीं है, एक 4G चिपसेट है। सो यहां पर आपको 4G कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन इसी सीरीज के अंदर जो 10 Pro Max होगा वो 5G कनेक्टिविटी के साथ में आएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बाकी इस फोन की अगर Redmi Note 10 की बैटरी की बात करें तो 5000mAh तक की बैटरी, यानी 5000mAh की बैटरी आप देख सकते हो बॉक्स के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है, और 33W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और उसी के साथ फोन के अंदर 3.5mm ऑडियो, यानी हेडफोन जैक, आयर ब्लास्टर और उसी के साथ डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर स्पेक्स को देखें तो Redmi Note 10 ना एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, स्नैपड्रैगन 678 के साथ में, 5000mAh बैटरी, 33W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में 13,000 से 14,000 के करीब भी आता है, तो मेरे अकॉर्डिंग एक कमाल का ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये फोन 14,000 या फिर 15,000 से ऊपर आता है तो मेरे अकॉर्डिंग एक ओवर प्राइस्ड फोन हो जाएगा इस स्पेक्स के साथ में। बाकी आप क्या कहते हो इस डिवाइस के बारे में नीचे कमेंट करके बता देना। लेकिन अभी इस सीरीज के अंदर दो डिवाइस और देखने को मिलते हैं, जहां पर पहला है Redmi का Note 10 Pro और लास्ट है Redmi का Note 10 Pro Max, जो कि 5G के साथ में आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi के Note 10 Pro के बारे में। सो ये भी एक 4G डिवाइस होगा, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि Snapdragon 730 2G चिपसेट होगा, जो कि 4G के अंदर एक पावरफुल चिपसेट है, आपको अच्छी खासी गेमिंग करवा देगा। और यहां पर भी आपको एक एमोलेड डिस्प्ले होगी, बट यहां पर भी आपको वही नॉर्मल 1600 रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यहां पर भी आपको 5000mAh तक की बैटरी देखने को मिलेगी, 33W की वही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी। हां, इस फोन के बैक साइड में आपको ग्लास बैक देखने को मिल सकती है और ये डिवाइस आपको 15,000 के करीब देखने को मिल सकता है। कैमरा की बात करें तो इस फोन के साथ में हो सकता है आपको 64MP का क्वाड रियर कैमरा मिले, फ्रंट में 16MP का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो प्रो मैक्स वेरिएंट होगा, इसके स्पेक्स बिल्कुल कंफर्म है, जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ में आने वाला है। और ये जो फोन होगा ना, वो स्नैपड्रैगन 768G चिपसेट के साथ में आएगा। अब बेसिकली स्नैपड्रैगन 765G का ही एक अपग्रेड चिपसेट हो जाता है, जहां पर आपको इस फोन के साथ में दो वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, 6GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन, 8GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन और एक 256GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है। जहां पर इस फोन के बैक साइड में टोटली ग्लास का बैक मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास, 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक में होगी। इस फोन की जो डिस्प्ले होगी वो भी अमेजिंग होगी, मतलब यहां पर आपको 120Hz हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलेगी। बट हां, अनफॉर्चुनेटली यहां पर कोई भी एमोलेड डिस्प्ले
नहीं दे रही है Xiaomi। एक IPS LCD पैनल होगा, सेंटर में पंच होल कटआउट होगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा सिक्योरिटी के लिए। इस फोन के साथ में भी 5000 mAh तक की बैटरी मिलेगी, 33 watt तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। बट इस फोन का एक मेन हाइलाइटिंग पॉइंट होगा इस फोन का कैमरा, जहां पर आपको इस फोन के बैक साइड में क्वाड रियर कैमरा मिलेगा। जो प्राइमरी लेंस होगा वो होगा 108 यानी 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर। उसी के साथ में फ्रंट में 32 यानी 32 मेगापिक्सल की एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगी। फोन के साथ में आपको 5000 mAh बैटरी देखने को मिल जाएगी, 33 watt की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसके साथ भी देखने को मिलेगा। बाकी इस फोन के साथ में भी 3.5 mm ऑडियो यानी हेडफोन जैक मिलेगा, आयर ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा, डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलेगा और अच्छी बात की इस फोन के साथ में आपको अंडर 20,000 यानी 20,000 के अंदर एक IP रेटिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। तो ओवरऑल गाइस ये जो मैक्स वेरिएंट होगा यानी Redmi का Note 10 Pro Max डिवाइस, ये काफी पावरफुल स्पेक्स के साथ में आने वाला है। हालांकि एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि एक AMOLED डिस्प्ले दे देती, 90Hz रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट होता ना तो एक काफी कमाल की बात होती। बाकी आप क्या कहते हो इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और गाइस ये जो प्रो मैक्स वाला वेरिएंट होगा ना वो 20,000 से 22,000 के अंदर ही रहने वाला है, मतलब आप बोल सकते हो 20,000 के करीब ये फोन देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ना Xiaomi की तरफ से आपको Redmi के Note 10 सीरीज के अंदर 12,000 से 13,000 से स्टार्ट होकर 20,000 के अंदर तीन स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे इसी स्पेक्स के साथ में। और गाइस Redmi का Note 10 जो कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया, जो कि इस सीरीज का सबसे बेस्ट वेरिएंट वाला स्मार्टफोन होगा, उसके जो भी कुछ भी स्पेक्स मैंने आपको बताया वो बिल्कुल कंफर्म है, 100% श्योर है, क्योंकि इस फोन के बॉक्स या फिर ओवरऑल प्राइसिंग सब कुछ लीक होकर सामने निकल कर आ चुकी है लॉन्च से पहले ही, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा वीडियो में वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन या फिर सुझाव सवाल हो नीचे कॉमेंट करके पूछ लेना, सभी कॉमेंट्स के रिप्लाई में जरूर देता हूँ। चैनल पर पहली बार आओ, कॉन्टेंट में दम लगाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें यार, ताकि ऐसे कमाल के वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। मिलते एक नए और कमाल के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।